टूर्नामेंट का नाम है MWL, सामने खड़ी है शेरे पंजाब, हमारी पार्ट टू टीम है, लेकिन भाई हमसे ही भिड़ गई है, तो अब तो इनको छोड़ेंगे नहीं। और मेरा फेवरेट प्लेयर मिल गया मेरे को अपोनेंट में, लॉरेंस। और इधर से हम खेल रहे हैं मुस्तफा, पापा मोगेम्बो, वन प्रो, आकाश दीग, ये सब हो गए बकवास की बातें, भाई अटैक कर लेता हूँ, अटैक टाइम हो चुका है। आप लोग चैनल पहली बार आए हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो जी चश्मा उतार देते हैं, पहला ये अटैक है वो भी लॉरेंस के ऊपर, भाई मेरी बेइज्जती ना हो जाए। बॉल पे भी सारे बंदे हैं, इनकी बातें सुन लूं क्या कह रहे हैं, उसके बाद अटैक करूंगा, अभी कर ही नहीं रहा। कह रहे मूगी भाई फेल नहीं करना, ठीक है भाई फेल नहीं करेंगे, कह रहे अटैक तो कर लो, ले भाई करते हैं। चलो कह रहे चलो चलो चलो, वार्डनेबिलिटी में ब्लिंप नहीं आई, टाउन हॉल तक पहुंच जाए, पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं है। लॉरेंस भैया अब तो तुम्हारी जान खतरे में है। मेरी ब्लिंप पहुंच गई टाउन हॉल तक, अब नहीं छोड़ेगा मैं तुमको। आइस गोलम कम मरेंगे इसके, लॉरेंस भैया, ए मेरे लॉरेंस भैया, मेरा किंग गलत चला गया भैया, इसके वजह से मेरा अटैक फंस गया है दादा। किंग कहां चला गया, ये मेरा लिटरली बेइज्जती कराने के काम करता है किंग। इजी ट्रिपल को कहता रुको मोगेम्बो, अभी फेल करा देता हूं, ज्यादा फ्रीज लगवा दी, इतनी फ्रीज लगानी नहीं थी मेरे को लॉरेंस के बेस पे, स्वैग भी तो करना था। अब स्वैग एक ही फ्रीज का हो पाएगा लग रहा है। यार ये किंग गलत चला गया मेरा, अच्छा भला बढ़िया काम चल रहा था, मजा आ रहा था, एकदम स्वाद आ रहा था, कई सारी मिस्टेक हो गई गाइस अटैक में, पर भाई देखो क्या कहते हैं उसको, शुरुआती अटैक है, फेल नहीं कर सकते। लॉरेंस भैया को लॉरेंस का 3 स्टार का झटका, अपने क्लैन में खेला करता था भाई ये बंदा, अभी भी अपने क्लैन में खेल रहा है, शेरे पंजाब अपने क्लैन का पार्ट है, पर भाई अपोनेंट में खेल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, हम कार्रवाई तो बिठानी पड़ेगी। CWL में साथ खिलाएंगे लॉरेंस। आसिफ भाई साहब आए हैं बदला लेने के लिए, जैप लावल उन बी के मुस्तफा के बेस के ऊपर, क्या के लगाए जायंट गोंटलेट, और वो 17 लेवल का है, क्वीन है इसके पास इनविजिबल, और ये है, ओ भाई मैक्स कर लिया इसने, दोनों के दोनों मैक्स कर लिए इसने वार्डन के, ये एटर्नल टॉम और वो ओरा। जैप लावल उन के साथ शुरुआत करने की कोशिश की गई है, इस आर्चर स्वागत करेंगे किंग एंड क्वीन का, पॉइजन लगा दिया, आइस गोलम काफी टाइम लेंगे मरने में, इसकी वजह से किंग मरेगा, फ्रीज लगा दिया किंग को बचाने के लिए, और भाई 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 एबिलिटी लगा दी किंग की, किंग देखो कैसा बावला भूत की तरह घूमेगा अब, पर आइस गोलम एकदम ओपी काम कर रहे हैं, टाउन हॉल बचना चाहिए, देख के लग रहा बच जाएगा क्योंकि किंग टाउन हॉल पे नहीं जा रहा है, क्वीन जाएगी अब, क्वीन कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, वार्डन एबिलिटी में ब्लिंप मारनी पड़ेगी भाई टाउन हॉल पे, अब तो बचानी है तो
यही एक तरीका बचा है। उसके बाद भी बलून्स घुस सकते हैं टाउन हॉल के अंदर, और अगर वो घुस जाएंगे तो भाई फिर तो रहेगा मोए 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 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मोए मोए होता हुआ नजर आ रहा है इस अटैक के साथ मेरे को। डिफेंड करेगा भाई ये बेस, मुस्तफा भाई साहब का ओवर पावरफुल बेस यहाँ पे डिफेंस ला करके हमको देगा। टाउन हॉल 16 पे बड़ा मुश्किल होता है बेस को डिफेंड करना, कर पाना, पर मेरे को अभी भी उम्मीद है। इतना डिफेंस जा चुका है, इतनी डिफेंस गिर चुके हैं, पर फिर भी लग रहा है कि डिफेंड करेगा। रॉयल चैंपियन मरेगी, आखिरी के चाहे दो डिफेंस बचे पर बचेंगे। एयर डिफेंस बचा हुआ है, मल्टी टारगेट इन्फर्नो बचा हुआ है, और ये बचेंगे। वार्डन गया और ये बलून गए, तो अच्छा खासा परसेंट है। मेरे ख्याल से 94 हो जाएगा ये, 95 हो जाएगा ये। लेकिन अब उसके आगे प्रतिशत नहीं बढ़ पाएगी, और बी के मुस्तफ़ा जी का बेस हमको डिफेंस दिलाएगी। बिग भाई साहब उतर चुके हैं बेस के ऊपर जैप इलेक्ट्रो टाइटन लेके। मेरे को तो लग रहा लास्ट में जैप मारेंगे, बहुत वैल्यू है यहाँ पे। अरे उधर ना मार के इधर मार रहे हैं, चलो इधर भी बढ़िया वैल्यू थी। दो एक्सबो, एक इन्फर्नो और रेस्ट आवर, पर इसको निकाल पाएंगे क्या? छेद कर दिया टाउन हॉल में, वार्डन इसको निकाल नहीं पाएगा भाई, रेज लगेगी वार्डन पे। क्या निकाल ले शायद, ये कैनन तो चाहिए ही चाहिए, ये बात तो पूरी पक्की एकदम। अरे 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 टाउन हॉल के लिए इतने सारे वो उतारती है सुपर गोबलिंस। आसिफ भाई साहब को जोरदार झटका देने की पूरी पूरी पक्की प्लानिंग है यहाँ पे डिग भाई साहब की। डिग भाई साहब ने ठान लिया, इलेक्ट्रो टाइटन आ चुकी है, किंग आ चुका है, और उसी एक छोटे से कंपार्टमेंट के अंदर एंट्री ले लिया पूरी आर्मी, और साथ में अब क्वीन ने लिया। बस जो बैक एंड है ना वहां पे बहुत भयानक डैमेज है, उससे बचना पड़ेगा, और वहां पे अकेला किंग जा रहा है। वार्डन एबिलिटी अभी बचा के रखी है डिग भैया ने, जैसे ही मैंने बोला बचा के रखे तभी की तभी दबा दी। बैक एंड पे डबल मल्टी टारगेट इन्फर्नो, और सारा का सारा परसेंटेज भी वहां पे है भाई, देख रहे हो परसेंटेज नहीं आया अभी तक कुछ भी, और आर्मी वाइप आउट सी हो गई है बिल्कुल। ले भाई किंग की एबिलिटी दबा दिया, किंग ही निकालेगा पूरे डिफेंस को यहाँ पे। टेस्ला फार्म भी यहीं पे ही है। अरे भाई कौन से लेवल का जाइंट गॉन्टलेट है, 12 लेवल का ही है, पर सही हो रहा है। रॉयल चैंपियन आ चुकी है डिगी के साथ, क्वीन मर गई है उधर वहां पे। थोड़ी थोड़ी चीजें उठपटांग चल रही है, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी चली गई है भाई, बेस डिफेंड करेगा ये तो देख के तो यही लग रहा है। इलेक्ट्रो टाइटन है, पर इस आर्चर टावर को निकालने के लिए सफिशेंट चीजें नहीं है, और अगर ये आर्चर टावर निकल भी गया तो सफिशेंट अब टाइम नहीं, यानी कि एकदम बेकार सा ये दिखने वाला बेस एक्चुअल में बेवकूफ बना गया, और परसेंटेज भी यहाँ पे कम रह जाएगी हमारी, 95 नहीं होगा ये, यानी कि अब शेरे पंजाब ने ट्रिपल मार दिया तो हमारा तो घेरे पंजाब हो जाएगा भाई, एकदम घिर जाएंगे हम तो चारों तरफ से। ये का हुई बहुत बुरी हुई, हमको तो बहुत ही बुरी लगी। लो जी किंग आए हैं डिग भैया के बेस की जांच पड़ताल करने के लिए, डबल क्लोन लेके और आर्चर्स लेके ब्लिंप मारेंगे किधर से, इधर से, इधर से, इधर से, और पहुंच गई है बाहर, लेकिन
क्लोन होके और ट्रैप भाई साहब, ट्रैपिंग आर्चर्स को उछाल दिया बिल्कुल। उसके बाद भी टाउन हॉल ले जाएंगे यार, ये टाउन हॉल ले गए तो फिर तो नुकसान ही नुकसान है। बच गया बच गया बच गया, टाउन हॉल तो बच गया कम से कम। रेस टावर दोनों एक्टिवेट हो गए हैं, एक्चुअल में दोनों ही उड़ा दिया इन्होंने। पर भाई ट्रैपिंग ओपी बोलते डिग भाई साहब की, डिग भाई खुद ही लगाते अपने ट्रैप। आर्चर्स दौड़ रहे हैं, हेड हंटर दौड़ रहा क्वीन की तरफ, मार डाला उसको दरी। आर्टलरी अभी भी जिंदा है, यानी कि टाइगर अभी भी जिंदा, ये बात अच्छी है। आइस गोलम ने थोड़ी देर के लिए फंसाया उधर आर्मी को। उधर से रूट राइडर अपना काम करते हुए टाउन हॉल में एंट्री लेती हुई आर्मी। किंग जा रहा है बाहर, वार्डन के पास एबिलिटी है लेकिन इतनी जान उनके पास है क्या रूट राइडर के पास कि वो टाउन हॉल निकाल लें? इतना औकात तो नहीं लग रहा है हमको, इनका भून के रख देगा यहीं पे टाउन हॉल इनको, रूट राइडर्स को। क्वीन को ही निकालना होगा टाउन हॉल तो। इस दौरान क्वीन की भी एबिलिटी चली जाएगी, अब तो किंग के ही हवाले है पूरा अटैक। साथियों जाइंट गोंटलट, कितना खतरनाक क्वीन एबिलिटी मारी इसने, देख के हमारे सांसें रुक गई उस एबिलिटी को देख के। इतना बुरा एबिलिटी का है मार रहे हो रे, इधर मरेगा इसका किंग। इधर ही डिग भैया का बेस जो है यहाँ पे भी डिफेंड कर गया है, परसेंटेज अच्छी खासी वापस से इनके पास है। अरे ये 3 स्टार नहीं है गुरु, गुरु हो जा गुरु। 93% होमला नंबर। अगला आकाश भाई साहब पगला उतर चुके हैं बेस पे लेके अपना डंडा। अरे डंडा नहीं उतारा इसने तो, फ्लेम फ्लिंगर उतार दी। फ्लेम फ्लिंगर रॉकेट को उड़ाएगी भाई, रॉकेट इन रॉकेटों को उड़ाएगी। ठीक है भाई, क्वीन आ गई उधर से, ठीक है भाई। हीलर्स आ गए उधर से, ठीक है भाई। टाउन हॉल को लेंगे ये तो, ओके भाई। अरे किंग भी उतार दिया यार इसने, इसे डर ही नहीं है। बाकी रूट राइडर के ऊपर ही छोड़ रहा है तो सब कुछ। चल भाई सही चल रही है अभी तक तो अटैक। किंग पर अब टाउन हॉल के कंपार्टमेंट में घुस गया तो दिक्कत है, चलो नहीं घुसा ये अच्छी बात है। इनविजिबल हो गई है आधी दुनिया, फ्रीज लगानी पड़ गई जिसके चक्कर में पॉइजन भी लगाना पड़ गया। टाउन हॉल भी फ्रीज करके या फिर इनविजिबल करना पड़ेगा। मार 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 मार, नाइस। ओपी स्पेल डिप्लॉयमेंट, किंग का गोंटलेट आ गया, किंग के ऊपर है लेवल 17 का गोंटलेट। चलो जी, और इधर से ही आ गए हैं हमारे रूट राइडर्स विद वार्डन एबिलिटी। काफी जल्दी वार्डन एबिलिटी लगा दी है, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी नहीं लगानी चाहिए थी, अब लगानी चाहिए थी। कोर रेज लगा दी है, क्वीन लगी पड़ी है वहां पे। रीज लगाओ, कुछ करो, बचाओ यहाँ पे आर्मी को। किंग को फ्रीज कर दिया है, क्वीन के लिए रास्ता खुला हुआ है चारों तरफ से। अरे ये मल्टी निकाल पाएगी रॉयल चैंपियन? एक मल्टी निकाल दिया, दूसरा भी निकाल देगी, यानी कि बेस को कर दिया है कल्टी आकाश भाई साहब ने। मल्टी निकाल के बेस को कर दिया कल्टी, क्या बात क्या बात क्या बात, वही बात यही बात वही रात। यहां पे बना दिया है खत्म सिंह भाई। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत खतरनाक रील्स डाल रहा हूँ मैं, फॉलो कर लेना अगर आपने करा नहीं तो। राव मोगेम्बो नाम से, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत सख्त जरूरत है यहाँ पे इस वॉर में वापसी करने के लिए 3 स्टार की। अब इससे भाई सुपर आर्चर ब्लिंप लेकर आ गया है 1 प्रो किंग के बेस के ऊपर, और वो भी स्वीपर के सामने से अटैक कर रहे हैं। कमाल का जोश है इसके अंदर। और भाई स्वीपर और डबल जेंट, ट्रिपल 4 5 6 7 जेंट बॉम्ब।
ये तो नाइटमेयर हो गया भाई किसी के लिए। सबसे दुखद, सबसे गंभीर, सबसे पगलैट घटना अगर किसी अटैकर के लिए हो सकती है, खासकर कि सुपर आर्चर ब्लिंप में, अरे भाई सारे जॉइंट बम, 1 2 3 4 सारे जॉइंट बम ये लगा रखे थे इसने। पर चलो स्पेल बचा लिए, अरे रूट राइडर क्लोन कर दिए इसने तो। अरे टाउन हॉल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको? इनविजिबल डाल, मैं तो कह रहा हूँ धनाधन आर्मी को बचा भाई, और कुछ आर्चर वार्चर उतार के आइस गोलम को बाहर बुला ले, क्योंकि इनविजिबल तो है नहीं। किंग की एबिलिटी भी लगा दी, इनविजिबल क्यों नहीं लगा रहा है? फ्रीज 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 कुछ लगा यार, मैं 3 स्टार मारते हुए देखना चाहता हूँ, बहुत स्पेल्स हैं। अरे किंग तो पागल हो गया, बावला हो गया भाई किंग तो, छत्रपति शिवाजी बन गया एकदम किंग। रॉयल चैंपियन पे इनविजिबल लगा, मर गई रॉयल चैंपियन, कहाँ ध्यान है इसका। स्पेल्स तो बहुत सारे हैं, पर टेस्ला फार्म भी तो बहुत तगड़ा उधर। ये गई एबिलिटी, ये रॉयल चैंपियन को मार डालेंगे, तीन तीन आइस, तीन तीन वो मिल गए। अरे इनविजिबल बेचारा लगा तो बहुत रहा इनविजिबल, पर बात नहीं बन पा रही। अर्श भाई मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, अर्श भाई को अर्श से फर्श पे ला के रख दिया है वन प्रो किंग की ट्रैपिंग ने। दोनों सुपर आर्चर ब्लिंप लिटरली इनकी ट्रैपिंग की वजह से फेल हुई है। तो आप अगर जबरदस्त ट्रैपिंग कर दो ना किसी चीज के लिए तो खतरनाक हो जाता है भाई मसला। मसला ने बना दिया इस बेस के साथ असला पसला गजला। लो जी वन प्रो किंग जैप लावलून एक्सपर्ट लेकर आ गए हैं अलग ही आर्मी, साथ इनविजिबल और रिकॉल। दिमाग सटिया गया केस का, साथ इनविजिबल, आर यू क्रेजी मी? अबे साथ इनविजिबल के साथ कौन सा अटैक होता है? कह रहा देखो तुम, अभी देखो मैं नया जलवा दिखाता हूं, दिखा भाई जलवा। होल पे रहते हैं गाइस हम सारे प्लेयर्स, तो मेरे को लगा, मैं तो मुझे तो लगा गलती से लेके आ गया स्पेल्स साथ साथ। रॉयल चैंपियन पे लगा रहा है उधर धनाधन, क्यों अरे अरे टाउन हॉल ले गया है तो, और रिकॉल कर ली रॉयल चैंपियन। ये बदतमीजी वाला अटैक कौन सा अटैक है ये? दिस इज अ वेरी बदतमीज अटैक। रॉयल चैंपियन को भी बचा लिया, वो पूरा कंपार्टमेंट भी ले लिया। वेरी वेरी बदतमीज अटैक गाइस, ना बदतमीज अटैक तो मैंने कभी देखा ही नहीं जी। किंग को मारने की कोशिश की जा रही है पर किंग मरेगा नहीं। इधर मोनोलिथ को निकाल लेंगे, दो दो ये मिलके। रियल चैंपियन को उतारना नहीं चाहिए था शायद अभी, पर उतार दिया गया। फ्रीज लगाओ, मल्टी को फ्रीज करो भाई। अरे यार मल्टी को फ्रीज करना, सारी आर्मी मर जाएगी वरना। रॉयल चैंपियन मर गई है भाई, देखो ये अटैक मेरे को लग रहा है डिफेंड करेगा। पैल्स हो गई है खत्म, इनके पास एबिलिटी है, समय कम बचा है। सारे के सारे ट्रूप्स मिलके इसको मारना चाह रहे, एक्सबो को मार दी एक्सबो। 33 सेकंड्स का टाइम है, इनेबिलिटी भी लगा दी इसलिए ताकि कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी से निकल जाए ये बेस। पर नहीं निकल पाएगा,
लेकिन वन प्रो किंग की जो चाल थी वो चाल में मजा आ गया भाई, इनविजिबल वाली। टाउन हॉल में लेकर रॉयल चैंपियन को बढ़ गया और सब कुछ निकाल लिया रॉयल चैंपियन से ही। हद है यार वन प्रो। चलो जी GTX तनिष। ओ, इस बार नहीं कर रहा सुपर आर्चर ब्लिंप। चलो सही है, थोड़ा तो दिमाग लगाया इन्होंने। इस सुपर आर्चर ब्लिंप इज वेरी वेरी नुकसानदायक। इस बार ये टाउन हॉल निकालने के लिए अलग टेक्निक ले रहा है। वो ये बहुत सारे वो लेकर आए तो गोब्लिंस टाइम पेल कराएगा ये। इतने सारे गोब्लिंस के साथ ये टाइम फेल कराएगा अपना अटैक। टाउन हॉल ले गया, ले गया। अब 30 सेकंड लगा दी इस कार्यक्रम में इसने, यानी कि टाइम फेल होएगा। टू राइडर्स आ गए, किंग आ गया है, इन आ गई है, इलेक्ट्रो टाइटन आ गई है। इस कंपार्टमेंट में से जा रहा ही है, पता नहीं क्यों जा रहा है। इसके अंदर जोश कुछ ज्यादा ही है। दो तीन स्केलेटन डाल भाई वहां पे, एक स्केलेटन से कुछ बात नहीं बनेगी। वो देखो वापस से आर्मी के ऊपर मारना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अभी तो कह रहा हूँ दो तीन स्केलेटन डाल, विजन लगा दिए, कनेबिलिटी लगा दी। तो लग रहा है कि ये वाले बेस पे बात बन जाएगी। सारे स्पेल्स तो खत्म हो गए हालांकि, पर जो मेजर डिफेंसेस हैं वो भी ज्यादा बचे नहीं है। बस किंग यहाँ पे अटैक को फेल करवाने का काम कर रहा है, बाकी सब कुछ तो ओपी चल रहा है। अगर किंग वहां पे ना जाता फिर तो वैसे ही खत्म था बेस। किंग टेस्ला फार्म को निकालने में बिजी है। आगे आगे आगे, किंग वापस आ गया। रॉयल चैंपियन मर गई पर उससे पहले, और अब क्वीन भी मर गई तो खत्म, टाइम टाइम फीस हो जाएगी। अशरफ अली हो गया इस बेस के साथ गाइस। डिफेंस अभी भी काफी ज्यादा बचा है। क्वीन का वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे गई एबिलिटी और ये मरी क्वीन। किंग 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 कम ऑन किंग, कर दे कुछ। क्वीन भी बची हुई है, ये भी मरेगी। किंग दीवार तोड़ रहा है जबकि दीवार खुली पड़ी है। हे भगवान, ऐसा किंग तो भगवान किसी को ना ही दे तो सही है। क्या कोई माइकल आला ट्रिपल मारेगा? मूसा भाई, मूसा भाई मार्केट में उतर चुके हैं लेके अपने एक आर्मी। हमेशा से बचपन से पैदा होते के साथ ही सुपर बोलर्स यानी बट्टा पेस बोलर्स। अरे उतार दे यार आर्मी, आर्मी उतार दे, कोई बात नहीं। मूसा भाई गुस्सा नहीं होते, वन स्टार चाहिए मैं जीतने के लिए बस। और मूसा भाई आर्मी का डिप्लॉयमेंट ही नहीं कर रहे हैं। मूसा भाई सोच रहे हैं अभी क्या करूं मैं इस बेस के साथ। अरे भाई अटैक कर दे, वन स्टार कर दे और खत्म कर दे। हालांकि मूसा भाई थोड़ा गुस्से वाले बंदे हैं, वन स्टार मारते नहीं, 3 स्टार ही मारते हैं। चलो मूसा भाई, गो मूसा भाई। वार्डन उतार दिया, मरेगा मरेगा, छिपकली मरेगा, चिपकली मर गई। वार्डन पे रेज लगानी पड़ेगी क्वीन को भाई, अगर वार्डन को बचाना है तो, वरना क्वीन छेद के रख देगी वार्डन को। भाई उधर से बस फनल बनाया जा रहा है। अरे क्वीन को दूर से मार रहा वार्डन, इसको वार्डन तो बहुत तेज है यार। कौन सी मुगली गुट्टी पिला रखी है इसको क्वीन के लिए। टाइम लग गया खूब सारा, ये स्कैटर शॉट चाहिए ही चाहिए। जब तक ये स्कैटर शॉट नहीं आएगा तब तक अटैक नहीं किया जा सकता। चल भाई चल भाई चल। मुस्तफा मर गया, मर गया मुस्तफा, मुस्तफा तो मर गया। गई वार्डन एबिलिटी, आइस गोलम आ गए, इनविजिबल लगानी पड़ गई है भाई को। कैनन मार क्यों नहीं दिया किसी को? अच्छा किसी के रेंज में ही नहीं है। 1.5 मिनट का टाइम बचा है बस, सारा समय खत्म हो चुका है मूसा भाई। सब भाई कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 मिनट के अंदर बेस फोड़ आएगा मैं, क्योंकि मेरा नाम है मूसा। मूसा कम ऑन मूसा। मूसा की तो वल्नरेबिलिटी दब गई भाई। हीलिंग टोम लगा रखा है क्या वार्डन पे?
नहीं, क्वीन पे ये, अरे 23 लेवल का गोंटलेट है इसके पास, किंग के ऊपर गोंटलेट देख रहे हो आप, इसको लेवल 23 का गोंटलेट लेके घूम रहा है, मेरे से भी ज्यादा लेवल का, मेरा 20 का है। क्या मूसा भाई वन स्टार मार देंगे कि टाउन हॉल तक अभी तक आर्मी पहुंची नहीं है भाई, क्वीन लगी पड़ी है। मूसा भाई मेरे को लग रहा है ट्रिपल ही मारेंगे, चाहे मारे रगड़ तगड़ के मारेंगे तीन ही। ये गई क्वीन की एबिलिटी और ये गया साथ में टाउन हॉल, बची है बाजी अब रॉयल चैंपियन के हाथ में। रॉयल चैंपियन के पीछे लगा हुआ है गायब करने वाली मशीन, मारना था मूसा भाई को वन स्टार, और मूसा भाई है अपनी आदत से मजबूर, एक मोगेम्बो एक मूसा, ये बहुत मारते हैं भाई। उसी भाई का अटैक देखने के लिए हम बैठे थे, उसी भाई का अटैक आ गया, लॉरेंस भाई साहब का, मैंने तो देखा ही नहीं इसने करा क्या, इसी को मैंने ट्रिपल मारा था, मेरे को मारने यही आ गया अटैक। इसने किंग घुसा दिया स्कैटर शॉट कंपार्टमेंट में और वहां से टेक डाउन कर दिया स्कैटर शॉट को, क्वीन को और एक्सबो को। यहां पे मैंने लगा रखी है ब्लैक माइंस जहां पे इसकी क्वीन है, पर शायद वो ट्रिगर्ड हो गई है, बहुत बुरा हुआ। ये लगा दी रेज, ये लगी ब्लैक माइन, मैं कह रहा हूँ ना मैंने ब्लैक माइन लगा रखी है यहाँ पे, टाउन हॉल में से आ रहा है। लॉरेंस भाई साहब अपने अटैक का बदला लेना चाह रहे हैं मेरे बेस के साथ, और क्या उनके लिए इतना आसान होगा, लगता तो नहीं है। अरे हीलर शिफ्ट हो गई, मरेंगी फिर वो, शिफ्ट हो गई है तो मरेंगी। कम ऑन लॉरेंस भाई साहब, मैं चाहता हूँ आप ट्रिपल मार दो मेरे बेस को, बदला ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पर मारो तो सही, मार तो होने वाला, बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, कम ऑन, यस यस, बस बस, यस यस, अरे यार बस, यस बस बस, नो डोंट डू, जस्ट चिल, बस और, यस 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 यस, गई आर्टिलरी, नाइस नाइस, गई क्वीन, बस बस बस, हो गया हो गया हो गया, अरे चल 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 चल, मर गई मर गई, रॉयल चैंपियन मर गई, और मर गई मर गई मर गई, ओह क्वीन भी मर गई, चलो कम ऑन बेबी ड्रैगन, यस यस यस, हो गया हो गया हो गया, 80% नहीं हुआ गाइस। तो यहाँ पे सेरे पंजाब का बुरा हाल हो गया, पांचों बेस डिफेंड कर गए, खतरनाक पिटाई हो गई, 15 स्टार इस बार हमने नहीं मारे। बिग भाई साहब का 91-93 हो गया, नहीं 91 वन प्रो का, 93 डिक का, 15 स्टार नहीं हो पाए, अपनी टीम है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उम्मीद करते हैं आपको मजा आएगा, मजा ऐसा ही आएगा आपको मेरी रील देख के भी, आप जाके देख लेना राव मोगेम्बो नाम से, ठीक है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें प्यारे माता पिता का भी, बाय।